नमस्कार दोस्तों, कुंडली भाग्य का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए घना ही दिलचस्प देखने को मिलता हुआ नजर आने वाला है। क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि ऋषभ ने बता दिया है कि मैंने प्रीता को यहाँ देखा है और फाइनली अब राजवीर की जो मुश्किलें थी वो खत्म होती हुई नजर आने वाली हैं। क्योंकि एक नहीं बल्कि समय कहानी में कई ट्विस्ट आते हुए नजर आएंगे। क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले तो ऋषभ बोलता हुआ नजर आएगा राखी से कि माँ मैंने प्रीता को देखा और प्रीता को मैंने लिफ्ट में देखा, लेकिन जैसे ही मैं वहाँ पर पहुँचा उससे पहले प्रीता निकल चुकी थी। अब वाकई में बोलता हुआ नजर आने वाला है ऋषभ कि करण सही बोलता था और इधर राखी माँ भी सही बोलती थी कि प्रीता है, क्योंकि प्रीता एक को नहीं बल्कि समय कई लोगों को दिखाई जा चुकी है दोस्तों। और कहानी का असली ट्विस्ट में अब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से काव्या अपना बयान दे रही है। काव्या ने साफ साफ बोला है कि जज साहब राजवीर किसी भी तरीका से दोषी नहीं है। जी हाँ, फिर जज ने भी पूछ लिया कोर्ट के अंदर कि अगर राजवीर दोषी नहीं है तो फिर असली दोषी कौन है। दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि काव्या ने वो आरोप खुद के ऊपर ले लिया है, क्योंकि काव्या ने बोल दिया है कि वो रुपये मैंने चुराए थे ना कि राजवीर ने, इसलिए राजवीर को इसी वक्त छोड़ा जाए, अगर असली गुनहगार कोई है तो वो मैं हूँ। क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर राजवीर ने रुपये नहीं चुराए और ना ही यहाँ पर काव्या ने, बल्कि ये तो एक निधि और शौर्य की बेहद बड़ी चाल, बेहद बड़ी साजिश थी। लेकिन दोस्तों कहानी वाकई में एक नए मोड़ पर जा चुकी है। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि आखिरकार इस कहानी का इतना बुरा अंत होगा। दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जल्द ही आप लोगों के बीच में एक नहीं बल्कि समय कई और भी ट्विस्ट देखने को मिलते हुए नजर आने वाले हैं। जल्दी ही आप लोगों के बीच में कहानी एक नया रूप लेगी दोस्तों, जिसके लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। क्योंकि निधि अब इस घर से बाहर होकर सीधा सीधा जेल में प्रवेश करने जा रही है। साथ ही दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में कॉमेंट में जरूर बताइए आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। लव यू गाइज एंड लव यू।